तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर फॉर सपोज आप किसी कंपनी में वर्किंग हो और आपका उस कंपनी में भी काम करने में मन नहीं लग रहा, या आपको जॉब कहीं मिल गई है, या कोई और रीजन से अगर आप कंपनी में रिजाइन डाल रहे हो और फिर आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो और वहाँ पे क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली होता क्या दोस्तों, कई बार हम रिजाइन डाल रहे होते हैं जब 2, 4, 5, 10 साल होते हैं, तो नॉर्मली वो एक्सेप्टेड होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब इनिशियल में आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आप रिजाइन डाल रहे होते हो और कंपनी आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही होती है कि नहीं हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उस केस में देखो दोस्तों, पहले तो आप रिजाइन डालो नॉर्मली, और जो मेरे आंसर होता है कि अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है और आपको सिर्फ 6 मंथ हुए हैं या 6 मंथ से कम हुए हैं, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा उनको रिजाइन डाल दो, एक ऑफिशियल बताने के लिए कि हाँ मैं छोड़ रहा हूँ। और वो कंपनी आपको रिलीज़ नहीं कर रही है तो उस केस में आप ऑन स्पॉट छोड़ सकते हो, अगर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास दूसरी जॉब है। इसके बाद अगर 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद अगर कंपनी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप रिजाइन डालो और आपका जो नोटिस पीरियड है उसको पूरा सर्व करो। वो नोटिस पीरियड देखो, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर आप रिजाइन डालो और कंपनी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो नोटिस पीरियड तो आपसे सर्व कराएगी, इससे पहले आपको नहीं छोड़ेगी। तो आप रिजाइन डाल के उनसे बात करो, अपने मैनेजर से बात करो, एचआर से बात करो कि मेरे पास ऑलरेडी ऑफर लेटर है और मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना ही करना है, या कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो उनको बोलो कि नहीं मुझे कंपनी छोड़नी है, मुझे जाना ही जाना है और आप मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। तो ये एक्चुअली एक लीगल होता है कि आप किसी भी कंपनी में रिजाइन डालते हो, वहाँ पे कंपनी को रिजाइन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी होती है। तो आप जब भी किसी कंपनी में रिजाइन डालोगे तो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो आप बाकी गूगल कर सकते हो, लीगल एक्शन भी ले सकते हो, और उनकी एक ही मजबूरी होती है कि नहीं अगर बंदे ने रिजाइन डाला उसको जबरदस्ती या प्रेशराइज करके उसको जॉब काम नहीं करवा सकते, उसको वर्क नहीं करवा सकते। तो ये एक सबसे बड़ा फंडा होता है। तो अगर आपके मन में ये थोड़ा सा भी डाउट था कि नहीं रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे या जो भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्त। आप चाहे किसी जहाँ पे 2 लोग हों एक कंपनी में, या 2,000 हों या 20,000 हों, कोई सी भी कंपनी हो, अगर आपने रिजाइन डाला उनको रिजाइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक लॉ के अंदर आता है, लेबर लॉ या जो भी, आप ये एक लॉ के अंदर आता है, आप गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डाउट बिल्कुल ना रखें कि नहीं मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। बट हाँ, मेक श्योर कि अगर आपको दूसरी जॉब मिल गई है तभी आप रिजाइन डालें, या आपका कोई एक एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए छोड़ने के लिए, जिससे आपको लगता है कि मैं रिजाइन डाल लूँ तो मैं इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बाद ही रिजाइन डालें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।